इस वीडियो में आज हम लोग जो सीखेंगे वो है धातुओं का अम्ल के साथ अभिक्रिया, यानी धातु जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या होता है। तो मैं यहाँ पहले बताना चाहूँगा कि धातु का अम्ल के साथ अभिक्रिया ये धातु का रासायनिक गुणधर्म में आता है। हम लोग इससे पहले धातु के कुछ रासायनिक गुणधर्म को पढ़ चुके हैं, तो ये हम लोग आज जो पढ़ने वाले हैं ये भी धातु के रासायनिक गुणधर्म में ही आता है, जिसमें क्या देखेंगे, धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया कर रहा है तो क्या होता है, आइए समझते हैं। तो देखिए, धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करके संगत लवण तथा हाइड्रोजन गैस प्रदान करती है। यानी सिंपल शब्दों में कहें तो धातु जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो उसके फलस्वरूप उनका लवण और हाइड्रोजन गैस बनता है। इसे इस प्रकार लिख सकते हैं, धातु अभिक्रिया कर रहा है अम्ल के साथ, तो यहाँ हम लोग तनु अम्ल लिए हैं जिसमें जल मिलाया गया है, और फलस्वरूप जो यहाँ पर रिएक्शन करने के बाद जो बना है, यानी अभिक्रिया करने के बाद जो बना है वो है लवण और हाइड्रोजन। जैसा कि यहाँ ऊपर में बताया गया है कि धातु जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो संगत लवण, मतलब जैसा धातु है उसके अनुसार का लवण बनेगा और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होगा। यहाँ पर तनु अम्ल का मतलब है ऐसे अम्ल जिसमें जल मिलाया गया है, यानी डाइल्यूट किया गया है। तो देखिए, धातु तनु अम्ल अभिक्रिया करके क्या बनाया, लवण और हाइड्रोजन। तो आइए उदाहरण के माध्यम से और समझा जाए। ये देखिए मैग्नीशियम है जिसको Mg से लिखते हैं, तो मैग्नीशियम अभिक्रिया कर रहा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ, HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो जब अभिक्रिया किया तो क्या बनाया, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ये पहला एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल समझते हैं, यहाँ देखिए एल्युमिनियम जब अभिक्रिया कराया है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ तो क्या बना है, एल्युमिनियम क्लोराइड बना है और हाइड्रोजन गैस। यहाँ पर मैग्नीशियम क्लोराइड जो है वो लवण है, दूसरे वाले जो समीकरण में या फिर यहाँ इक्वेशन की बात करें हम लोग अभिक्रिया में, तो एल्युमिनियम जो क्लोराइड है ये लवण है। तीसरा देखिए, जब जिंक अभिक्रिया कर रहा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ तो क्या बनाया है, जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस। यहाँ पर जिंक क्लोराइड जो है वो लवण है। चौथे एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पर देखिए आयरन जो है वो अभिक्रिया कर रहा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ तो बनाया है आयरन क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पर आयरन क्लोराइड जो है लवण है। अब चूंकि यहाँ पर देखिए हम लोगों ने चार धातु लिए हैं, 1, 2, 3, 4, अब कौन तेज़ी से अभिक्रिया करता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, कौन उससे कम, कौन उससे कम, कौन सबसे कम, तो उसको हम घटते हुए क्रम में लिखे हैं। इन धातुओं को अगर हम अभिक्रियाशीलता के आधार पर घटते क्रम में लिखेंगे तो हम पाते हैं कि मैग्नीशियम सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील है, उसके बाद एल्युमिनियम, उसके बाद जिंक और उसके बाद आयरन। यानी सबसे कम अभिक्रियाशील हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ यहाँ इन चारों में देखा जाए तो आयरन है, और सबसे ज़्यादा जो अभिक्रियाशील है वो मैग्नीशियम है। तो अभी जो हम लोगों ने जितने भी यहाँ पर अभिक्रिया देखें उसमें धातु को अम्ल के साथ अभिक्रिया कराए हैं, और हमने अम्ल में यहाँ पर क्या लिए हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आगे देखिए, जब धातुएं नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती हैं, अब हम लोग धातु को अभिक्रिया करा रहे हैं नाइट्रिक अम्ल के साथ, तो जब धातुएं नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती हैं तब हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित नहीं होती है। देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया हुआ था तब हाइड्रोजन गैस निकला था, किंतु नाइट्रिक अम्ल के साथ जब अभिक्रिया होता है तो हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित नहीं होता है, क्योंकि नाइट्रिक अम्ल जो है यानी कि HNO3 एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है।
ऑक्सीकारक होता है, मतलब ऑक्सीजन प्रदान करने वाला होता है, वो भी बहुत प्रबल। तो HNO3 यानी कि नाइट्रिक अम्ल जो है बहुत ही प्रबल ऑक्सीकारक होता है, और जब रिएक्शन के समय जो हाइड्रोजन निकला था तो उसके साथ तुरंत ऑक्सीजन जुड़ गया। ठीक है, तो H2 को ऑक्सीकृत करके यानी कि H2 में ऑक्सीजन जुड़ गया और उसके फलस्वरूप जल में परिवर्तित कर देता है, इसलिए स्वतंत्र हाइड्रोजन गैस नहीं निकलता है, क्योंकि हाइड्रोजन के साथ कौन जुड़ गया, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया और जिसके फलस्वरूप क्या बन गया, जल बन गया। उसके बाद जो नाइट्रोजन जो बचा था, तो स्वयं नाइट्रोजन किसी ऑक्साइड में या तो N2O के रूप में या NO के रूप में या NO2 जैसे ऑक्साइड के रूप में अपचयित हो जाता है, लेकिन मैग्नीशियम एवं मैग्नीज, ये Mg और Mn की मैग्नीशियम और मैग्नीज अति तनु यानी बहुत ज़्यादा डाइल्यूट किया गया, बहुत अधिक तनु HNO3 यानी कि नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर H2 गैस उत्सर्जित करते हैं। मतलब ये जो दो अभी हम बात करें धातु जिसका नाम मैग्नीशियम और मैग्नीज है, अगर नाइट्रिक अम्ल को बहुत तनु के रूप में लेते हैं तो फिर ये दोनों अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करते हैं। अब यहाँ बात करेंगे कॉपर। कॉपर जो है तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। अगर हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में यानी कि तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में कॉपर को डालते हैं तो ना तो उसमें कोई ऊष्मा में परिवर्तन होता है, ना ही कुछ बुदबुदाहट देखने को मिलता है। तो इससे यही पता चलता है कि कॉपर जो है तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। तो अभी हम लोगों ने ये जो पूरा जो पढ़े वो था धातुओं का अम्ल के साथ अभिक्रिया जो रासायनिक गुणधर्म में आता है।